चला गया है, तो 4 लीटर का पीस जो है वो घट गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी भैंस का दूध जो है वो निकाला है, तो ये है फ्रेश दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कदम सलीम और मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अभी सुबह के बजे हैं 8, सर्दी बहुत ज़्यादा है। आज गुड़ वाली जो है ना वो दूध पत्ती बनाएंगे। दूध में उबाल जो है वो आ गया, अभी इसमें पत्ती डालेंगे। पत्ती जो है ना वो डाल दी है और दूध में उबाल आना जो है ना वो शुरू हो गया। सब्ज इलायची 3 अदद ये डालेंगे। लकड़ियों की आग जो है उसका मज़ा लिया जाएगा और साथ में चाय जो है वो बनाई जाएगी। दलमोज भी उठ गया है, दलमोईद भी जो है ना वो उठ गया और आग जो है ना वो उसका मजा ले रहा है। अब दलमोईद भी सर्दी लग रही है, लग रही है सर्दी। गुड़ डाला जाएगा, अभी से मिक्स कर लिया तो जल्दी जो है ना वो उतार लिया जाएगा। नाश्ता करने के बाद गुड़ वाली चाय पी जाएगी। अब्दुल हादी ने, अब्दुल हादी बेटा आपका कावा किधर है? ये गुड़ वाला कावा। अब्दुल हादी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, अजवाइन और गुड़ डाल के अब्दुल हादी को दिया। अब्दुल हादी ने कुछ जो है ना वो पी लिया तो कुछ बाकी बचा। सर्दी बहुत ज्यादा है तो इसलिए बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये आपकी है तो ये मेरी है। सर्दी लग रही है, अब्दुल मोई जो है वो कांप रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त जो है ना वो जायका बना है गुड़ वाली चाय का, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जा रहा हूँ जी सियालकोट। आज जो है ना वो हो गया धोखा। कोई बात नहीं, आप जाएं, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए बाइक लेके आए और हमें जाने दोबारा भी जाना पड़ा। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वो मैं आया था बाइक के ऊपर सियालकोट में, मार्बल फैक्ट्री के ऊपर मैंने आना था। तो मुकल्ला भाई और मुकरम भाई आए थे जी लोकल, तो उनका प्लान जो है वो चेंज हो गया, तो अभी बाइक जो है वो उनको दे दी है मैंने और वो चला गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं मार्बल की फैक्ट्री में हूँ इस वक्त। तो 10 साल पहले मैं भी यही मार्बल की कटाई किया करता था, तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं मार्बल की कटिंग कैसे की जाती है और मार्बल के डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मार्बल का शोरूम है, काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यहाँ पे ग्रेनाइट और दूसरे सारी मार्बल टाइल्स जो है वो उनके डिज़ाइन हैं और यहाँ पे अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सीढ़ी स्लैब, सीढ़ी पे जो लगते हैं ये डिज़ाइन है जी,
ये स्लैब किचन में लगने वाली ये डिजाइन है। ये वाला जो ऊपर पत्थर है ना ग्रेनाइट का, ये वाला, ये हमने लगवाया था अपने घर में किचन में। डिजाइन है जी फूल फर्श पे लगने वाला, 18,000 रुपये का ये फर्श पे लगने वाला फूल है। एक डिजाइन ये है और ये है 20,000 रुपये का। ये फर्श के ऊपर जो है ना वो लगता है, और ये बॉर्डर बनाया हुआ है, ये भी लगता है जी फर्श के ऊपर डिजाइन बनता है। काफी सारे जो है ना वो डिजाइन। तो सियालकोट में मैं आया था स्पेशली मार्बल के काउंटर के लिए, और ये काउंटर बना हुआ है जी मार्बल का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो काउंटर बना हुआ है। काउंटर मार्बल का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया जी। सारी साइडों पे जो है वो मार्बल लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो बनाया गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो काउंटर लग रहा है। देखिए काउंटर की लुक। इस काउंटर का जो है वो भाई से रेट पूछ लेते हैं, ये कितने में बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, है काउंटर कितने का बनेगा? 42,000 से 45,000 रुपये तक। ये काउंटर जी 45,000 से 42,000 रुपया भाई ने बोला कि ये आपको बना के देंगे इस तरह का डिज़ाइन, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरा इरादा है कि एक काउंटर जो है वो इस तरह का बनवाया जाए। यहाँ पे ये फर्श वाले फर्श पे जो मार्बल लगता है ना वो है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्बल की कटाई रगड़ाई और ग्राइंडर में जो रिवेंटी का काम है सब काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो उनका कारीगर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे मशीनें जो हैं वो चल रही हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे माल जो है वो काटने वाला पड़ा हुआ है। ये सीढ़ी जो है ना वो पॉलिश मार्बल तैयार हुई है, पॉलिश होके रिक्शे के ऊपर लोड हो रहा है जी माल। ये माइक्रो है, चाइना ब्रोना इसे बोलते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गया, ठल गुनिया हो गया, और ये 2 फुट का जो है ना वो पीस बना तैयार होते हुए जो है ना वो यहाँ पे बड़ा हुआ है। यहाँ पे हो रही है कटाई। और यहाँ पे हो रही है रगड़ाई, जिसे पॉलिश बोलते हैं वो हो रही है जी। ये मशीन है पॉलिश वाली।
साथ साथ जो है वो पानी चल रहा है। और साथ में हो रही है कटाई। और यहाँ पे हो रहा है सैर, कटाई हो रही है उस मशीन पे, पॉलिश हो रही है उस मशीन पे, और यहाँ पे हो रहा है जो है वो साइज। ये जी डिजाइन बना है, समोसा बोलते हैं इसे, समोसे का डिजाइन बना है। ये प्लास्टिक जो है वो बांधा जाता ताकि कपड़े जो है वो गीले ना हो। तो इसके अलावा बूट होते हैं, बूट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई ने बूट पहने हुए हैं, तो ये बूट होते हैं। अभी मैं भाई का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैंने जो है ना वो बूट शूज अपने ही रहने दिए हैं। तो मैं ट्राई करने लगा हूँ 10 साल बाद, आज जो है ना वो मैं थोड़ी सी कटाई करूँगा। ये पीस जो है वो काटा गया, तो 4 फुटर का पीस जो है वो कट गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्श के लिए स्पेशली, ये डिजाइन है जी, बॉर्डर के लिए बनाया गया है। कुछ ये बनाया गया, ये पट्टी जो है ना वो बनाई गई है, ये सब मार्बल की है। और यहाँ पे बॉर्डर जो है ना वो बनाया जा रहा है। ये है जी मुकम्मल तैयार हो के, ये लुक बन जाती है बॉर्डर की। एक डिजाइन ये है और एक डिजाइन जो है वो ये है।
बहुत सारे डिज़ाइन है। और ये फर्श में जो है वो लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बनता है इनका। और बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत मज़ा आया जी पुराने दोस्तों से मुलाकात करके, और सारा दिन जो है वो आज यहीं पे गुजर गया। तो अभी चलते हैं वापसी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रात के जो है वो 8 बजने वाले हैं, तो अभी जी मैं पहुंचा हूँ घर। तो अब्दुल मोई जो है वो बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा था। बाइक जो है वो मुकल्ला भाई और मुकरम भाई ले गए थे, तो लोकल गाड़ी पे आया हूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग गया। मैं चाह पीता खाना खादा उत्ते बैठ आया हूँ। किंगरे गए थे हो? हाँ। चाचू मौजम के साथ? हाँ। अच्छा।